दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको सुनना चाहिए और कायदे से समझा दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह की ये नसीहत कितना मानेंगे कांग्रेसी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बार फिर दिग्विजय सिंह फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेसियों को हिदायत दे दी, सलाह दे दी, कायदे से समझा भी दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने फोटो खिंचवाने वाले, सेल्फी खिंचवाने वाले नेताओं को बड़े अच्छे से समझा दिया। क्या समझाया, सोशल मीडिया पर क्या लिखा, तो मैं आपको बता दूं, जिसको कांग्रेस ने भी माना, यही वजह है कि एमपी कांग्रेस की तरफ से रिपोस्ट भी किया गया। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, हे मेरे मित्रों, समस्त कांग्रेस जन अपने घरों से निकलो, अपने नेता राहुल गांधी से कुछ सीख लो। केवल नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालकर नेता नहीं बनोगे। अपने गाँव, अपने मोहल्ले में लोगों से मिलो, उनके सुख दुख में शामिल होकर उनके साथ बैठकर जन समस्याओं पर चर्चा करो, कांग्रेस का पक्ष रखो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता से चर्चा करो। ये लिखा दिग्विजय सिंह ने और ये साफ तौर पर नसीहत है। ठीक बात भी है, ये कोई पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह पहले भी सार्वजनिक मंचों से टिकट के दावेदारों को भी समझा चुके हैं कि टिकट मिले ना मिले चुनाव में, कम से कम कांग्रेस की लाज रखो, काम करो। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए, लेकिन टक्कर बढ़ दी, मजबूती से चुनाव लड़ा और जमीनी अंदाज भी दिग्विजय सिंह का राजगढ़ चुनाव में नजर आया। अब चूंकि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में ये हालत है कि आप देखिए लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली और लगातार उससे ठीक पहले विधानसभा में करारी हार हुई, तो दिग्विजय सिंह का ये कहना कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है। अब कौन से बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह ने किसके लिए कहा, किसी बड़े नेता के लिए कहा या खाली कार्यकर्ताओं के लिए कहा? वैसे तो सबके लिए है, कांग्रेस ने खुद ही इसलिए रिपोस्ट किया कि भाई समझने वाली बात है कि घर से निकलना चाहिए। और वास्तव में बीजेपी के संगठन के सामने कांग्रेस का जो संगठन है उसकी स्थिति जो है वही बीजेपी को आगे रखती है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से नसीहत दी है, कायदे से समझाया भी है। अब कार्यकर्ता कितनी मानते हैं, बड़े नेता कितनी मानते हैं, क्योंकि वाकई में गाँव से लेकर कस्बों तक क्या वास्तव में कांग्रेस वैसा काम कर पा रही है जो दिग्विजय सिंह ने खुद कहा, देखना ही होगा। दिग्विजय सिंह की सलाह कितने मानेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, यही देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।